ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 को मंजूरी मिल गई है। इस मसले पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सानी ने। हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आए हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां के सीईओ रामा रमन जी। रामा रमन जी से पूछेंगे, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने जो मास्टर प्लान 2021 को अप्रूव कर दिया है, उसमें अब कितना टाइम लगेगा काम शुरू होने के लिए? रामा रमन जी, स्वागत है आपका जी। हमें बताइए कि जो मास्टर प्लान ग्रेटर नोएडा का 2021 है, वो कल साइन होके आ चुका है, तो उसमें अब कोई आगे कुछ पेज बचे हैं और काम कब तक शुरू हो जाएगा? एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा लेटर जारी कर देने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश था उसका कंप्लायंस हो जाता है, और उसके कंप्लायंस करते ही कि चूंकि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनओसी जारी कर दी अपनी, तो अब विकास के कार्य रुके हुए जो विकास के कार्य थे वो शुरू हो सकते हैं। अथॉरिटी भी अपने जो विकास के कार्य थे रुके हुए थे इसकी वजह से कर सकती है, डेवलपर्स भी अपने विकास के कार्य इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं और उसमें कोई अड़चन नहीं है। अब बात करें अगर हम कि जो लोगों में भय बना हुआ था कि अब काम नहीं शुरू हो पाएगा, किसान बवाल करेंगे, उनको मुआवजे की प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे रिलेटेड आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग पैनिक ना हो? जिससे देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम हमेशा किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान में विश्वास रखते हैं, उनसे बातचीत के जरिए उनको विकास में भागीदार बनाते हुए साथ चलते हुए विकास का कार्य करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि किसान इसमें हमारे सहयोगी होंगे, और जो इस दौरान नुकसान हुआ है इसमें सभी पक्षों का नुकसान हुआ है, किसानों का भी नुकसान हुआ है, उनके गांव के विकास के कार्य रुके हुए थे, उनके सारे कार्य रुके हुए थे, लीज बैक की प्रक्रिया रुकी हुई थी, आबादी के सेटलमेंट की प्रक्रिया रुकी हुई थी, मुआवजे का भुगतान रुका हुआ था। अब ये सब कार्रवाई संभव हो सकेगी, और जो मकान बनने थे जिन्होंने फ्लैट बुक किए थे तो उनको भी अब उम्मीद उनकी भी उम्मीद जगी है, और मेरा ख्याल पूरी भी होगी, उनको जल्दी से जल्दी उनके फ्लैट का पोजीशन मिल सकेगा। तो रामारावन जी, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर आप जो बायर्स हैं, निवेशक हैं, जो लोग इस मास्टर प्लान की वजह से परेशानियों में चल रहे थे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इजीली बिल्डर्स के यहाँ और जो ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी की स्कीम निकली है उसमें भागीदारी करें, इन्वेस्टमेंट करें? उनमें उनके लिए तो मेरा ये संदेश है कि उनके इंतजार की घड़ियां जो थी और जो संशय की स्थिति थी वह समाप्त हो चुकी है, और उन्होंने जो फ्लैट बुक किए हैं उसके मिलने में अब कोई संशय बाकी नहीं है। तो अब निवेशक और किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर प्लान ग्रेटर नोएडा का जो 2021 का था वो अप्रूव्ड हो गया, और इस चीज की रामा रमन जी ने भी पुष्टि कर दी है, तो लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन दुष्यंत के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस।